फतेहपुर बैरी के अंदर ये जो आप जो इतनी पब्लिक देख रहे हैं, जो ये इतना हजूम देख रहे हैं, इसका मुख्य कोई कारण होगा? ये इतना हजूम क्यों लगा है हमारे बीच में, गुजर गए, आइए हम तो जानकारी देते हैं। आज ये हजूम लग रहा है, क्या है कारण इसका? ऐसा रखिए, हमारी भूखे मरने की नौबत आ रही है, भूखा मरने की नौबत आ रही है। सरकार ऐसी आई है, मनुष्य ये बेड़ा गर्क करेगी सब। क्यों भूखे मरने की नौबत क्यों आ रही है? ये हमारे कोई किराए भाड़े का काम है, उसको सबको बंद करना। क्या कारण बंद करने का? क्या आप इससे कोई इससे प्रदूषण पैदा होता है? इससे कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं, अभी बताया कि इन्होंने कि जो एक गुरुजी हैं, गुरुजी का यहाँ आश्रम है, और आश्रम के अंदर आज तक आप देख रहे हैं कि मैं इस मीडिया के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो आज जो बाबाओं की जो पोल खुल रही है, उस पोल को लेकर एक गुरुजी ने शिकायत की है कि यहाँ जो अतिक्रमण लगता है, और ये जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके रोजगार पे पूरी ऐसी घात लगा दी कि अभी एक बुजुर्ग थे वो कह रहे थे भूखे मरने की नौबत आ रही है। एक साथी और भी, हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी, आप यहाँ इतनी भीड़ के साथ क्यों खड़े हैं, क्या कारण है? ये गरीबों की रोजी रोटी छीन चुके हैं यहाँ पे दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, किसानों की तरफ नहीं देख रही है। किसानों की अपनी ज़मीन है, उन्होंने अपने रोजी रोटी के लिए किराए का साधन बनाया है, उस पर ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इनको ज़बरदस्ती सील किया जा रहा है बगैर नोटिस। सर ये जब आप सीलिंग का होता है, सीलिंग से पहले नोटिस दिया जाता है, एक आदेश होता है कि हम क्षेत्र किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया है, ज़बरदस्ती बगैर आए हैं, और सुबह से मॉर्निंग टाइम से लगे हुए हैं, 3 दिन से लगे हुए हैं, सब जगह यही हाल है, गरीबों का बुरा हाल है, रोजी रोटी छीन चुकी है, ये गुजर गए हमारे, अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन में क्या कोई आदमी रहे तो वो मकान नहीं बना सकते क्या, छोटा सा कोई किराया भाड़ा नहीं बना सकते क्या? सर अभी आपने गुरुजी की बात की थी, क्या गुरुजी का क्या मानना है कि जो इस रोड पे जो अतिक्रमण रहता है क्या है? सर गुरुजी के कारण बताएं सर। राकेश जी, आप गुरुजी के कारण ना हफ्ते में 6-5 दिन तो कम से कम रेगुलर ही जाम रहता है। तो क्या होता है वहाँ गुरुजी के यहाँ, क्या ये भगवान को मालूम है या गुरुजी वाले को मालूम है क्या होता है? शहरी को मालूम है, जो शहर के आते हैं। हमें सुनने में ये आया था कि एक दिन यहाँ पे वो भोरे लाल जी आए थे, वो जाम में फंस गए, गुरुजी वालों ने कंप्लेंट की है। भोरे लाल जी के जाम में फंसे। अच्छा भोरे लाल जी कौन है? भोरे लाल जी इस कमेटी के अध्यक्ष है। कमेटी के अध्यक्ष हैं? हाँ जी। मतलब अगर कोई भी एमसीडी का अधिकारी है, जो यहाँ के एमएलए वगैरह है, तो अगर फंसते हैं तो फिर जाम को रोकने के लिए, जाम ही नहीं। आपका नाम? जोगिंदर तंवर। जोगिंदर तंवर जी, जो भीड़ है, आप युवा हैं, कि रोजी रोटी कैसे छीनी जा रही है आपकी? ये जी मकान खाली हो रहे, सब अपने अटकाले, इनसे हमारा रोजगार चलता है, कोई नौकरी नहीं किसी के पास, कोई इतना पढ़े लिखा एजुकेशन नहीं है, इसके सिवा हमारा कोई चारा नहीं है, ये जबरदस्ती करी जा रही है हमारे साथ सब गरीब, कम से कम लाखों आदमी से जुड़े हो रहे, मार्केट है जितने भी मार्केट है हमारे यहाँ, लाखों आदमी जुड़े हुए जो भूखे मरे, भारत प्रदेश के भी आदमी यहाँ पे आए हुए, वो भी इसी के चक्कर में रोटी अपना देश छोड़ के यहाँ पे पड़े। तंवर जी, जैसे कि आप विधायकों को जिताते हैं, निगम पार्षद को जिताते हैं, तो आज उनकी मनीक्षा क्या है कि आपके प्रति जो ये रोजी रोटी जा रही है? उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं, वो हम उनको जब याद आते हैं जब उनको वोट चाहिए खाली, उससे पहले उनको किसी कोई याद नहीं आती, जब वो कहते हमारा भाई है, हमारा परिवार है, सब कुछ है, जब हम पे भीड़ पड़ी है तो वो अपने घरों में बैठे थे। इनका मानना है कि जब वोट मांगने आते हैं तो भाई हैं, पैर छूते हैं और हाथ जोड़ते हैं, और आज जब हम पे आपत आ रही है तो आज हमारे बीच में कोई नहीं है। आपका नाम? ओमकार। ओमकार जी, आप क्या मानना है आपको जो सीलिंग हो रही है? सीलिंग का मतलब ये है जी, रोजगार छिन चुका है हमारा, सबको रोजगार छिन चुका है, तो आप इस रोजगार में क्या करते थे? किराए भाड़े का ही प्रोग्राम होगा, किराए भाड़े का ही प्रोग्राम है, गाड़ी घोड़ा ले रखा वो चलाते हैं, जो धंधे हैं वही बना रखे हैं, लेकिन आजकल तो नेताओं को वोट चाहिए, वोट चाहिए, लेकिन अब कोई आएगा तो किसान देने, नेताओं को वोट चाहिए, सरकार को पैसे चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, केजरीवाल को भी महीने का कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, मार्बल मार्केट केजरीवाल को भी 50 लाख रुपए चाहिए। कैसे पता है कि आपको 50 लाख की डिमांड होती है या मतलब किस तरीके से? कैसे वो बता देते जब वो एक ऑटो वाला थप्पड़ मारता उसके घर गुलदस्ता देने को जा रहा, वो उसका खुशी का बेटा है।
चमड़ी को। हाँ, उसकी भूमि तो बेटा थोड़ी है जो थप्पड़ खाने के बाद उसे गुलदस्ता देने के लिए जा रहा है। सब सबको नोट चाहिए, गरीब से वोट चाहिए और उनको नोट चाहिए।